Namaste. The new building of the parliament will be inaugurated on the 28th of May, that's tomorrow. रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल साल 2023 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और फैंस भी इस फिल्म के रिलीज का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ट्रेलर काफी दमदार है और इस फिल्म में रणवीर कपूर का इंटेंस लुक बेहद ही इम्प्रेसिव है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो मानना पड़ेगा कि रणवीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए अपनी जी जान लगा दी। दोस्तों, ट्रेलर देखने के बाद ये तो मानना पड़ेगा कि रणवीर कपूर ने एनिमल के लिए जी जान लगा दी। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर 3 मिनट से ज़्यादा का है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें बॉबी देओल की, तो बॉबी देओल का लुक इस फिल्म में सबसे खतरनाक है और हर किसी ने बॉबी देओल के इस किरदार की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की, क्योंकि बॉबी देओल को इतना खतरनाक इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर में अनिल कपूर को गोली लगते भी दिखाया गया है। वहीं बॉबी देओल की एंट्री सबसे ज्यादा खतरनाक कर देने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर में बॉबी देओल ने कोई भी डायलॉग नहीं बोला है। माना तो ये भी जा रहा है कि इस फिल्म में बॉबी देओल ने गूंगे का रोल प्ले किया है और बॉबी देओल के इस रोल से पूरा बॉलीवुड काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि जब पूरे बॉलीवुड ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा तो उनके होश ही उड़ गए और तरह तरह के रिएक्शन सामने देखने को मिले। इसी कड़ी में दोस्तों, आपको बता दें कि बॉबी देओल की माँ हेमा मालिनी का भी रिएक्शन सामने आया है। बॉबी देओल की माँ हेमा मालिनी का कहना था कि बॉबी को इतना खतरनाक देखकर काफी खुशी हुई, इस उम्र में इतना खतरनाक काम किया है। बॉबी का किरदार देखकर इसमें बॉबी देओल नहीं लगते, बॉबी देओल का यह किरदार देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये बॉबी देओल है। इतना दमदार एक्शन देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि हेमा मालिनी का आगे कहना था कि इस फिल्म का मैं बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी और वो दिन 1 दिसंबर को आने वाला है। मैं तैयार हूँ इस फिल्म को देखने के लिए, क्या आप भी तैयार हैं इस फिल्म को देखने के लिए? फिलहाल दोस्तों, आपको एनिमल का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और हेमा मालिनी के रिएक्शन पर आपका क्या कहना है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।